हेडफोन पहले कहते थे नन्हे की कर दरिया में डाल, और अभी तक कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अपना मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। आप बाइक में पेट्रोल भराते हैं और खत्म हो जाता है, तो टंकी खोल के देखते गया था बढ़िया तेल लगवाए थे, और अपना पेट खोल के कभी देखा कि कितना खाए थे, कितना बचा है, कितना है और कितना वक्त जल गया। मशीनों का मैकेनिकल एडवांटेज है, उनका काउंट किया जाता है कि वो कितना हमको मैकेनिकल एडवांटेज देंगे, और ह्यूमन का अपना कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं। मन किया तो काम किया, नहीं मन किया तो कोई काम नहीं। तो यहाँ अगर हम इनसे सर्किल बनवाएं तो देखिए दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, और जब ये लेवल में आएगा एकदम एग्जैक्टली आपके पैरेलल तो दिस इज कॉल्ड द मिडलेस्ट पॉइंट, और जब ये चढ़कर यहाँ पहुंचेगा तो दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये गिर के वापस यहाँ आएगा, दिस इज कॉल्ड अगेन द न्यू मिडलेस्ट पॉइंट एम डैश, और गिरते हुए यहाँ चला आएगा। और अब एक एनी पॉइंट ले लीजिए किसी इंस्टेंट पर, अगर ये यहाँ है कॉल्ड पी, यहाँ इसके पास जो भी वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड वीपी, यहाँ इसके पास जो भी वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड वीएल, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये रियल वेलोसिटी है जो ये लेके चल रहा है। हम ये प्रूव करेंगे कि इसकी एक मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए ये एक सर्किल पूरी बनाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू दे देंगे तो एक चक्कर मार देगा, क्यों बात मन में आ रही है ना। आप एक बाउल ले लीजिए लाइक दिस, ये ऐसे, और इसमें आप यहाँ ये बाउल है ये इस तरीके से, ये खुला हुआ ऐसे कटोरा है, या आप कह लीजिए ऐसे एक एडजस्टमेंट है बाउल की तरह का लाइक दिस सर्किल। आप यहाँ एक बॉल रखे हैं, आप इसको मारिए ऐसे तरह से, तो गारंटी क्या इसे घूम के आएगी। एक केस है, सिर्फ एक केस है घने सुनने काले, जिसके लिए ये जैसे ही आप एक डेफिनेट वेलोसिटी से एबव देंगे वेलोसिटी, ये फट से सर्किल बना के वापस आ जाएगा, और उससे कम अगर हुआ तो सर्किल नहीं बनाएगा। द मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर विच इट इज एबल टू टेक एट लीस्ट वन रोटेशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, और सर्किल बना पाने की कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का मतलब किस कंडीशन में, डेथ वेल रोटेटर में भी तो था कि ये एक चक्कर मार के किस कंडीशन में, जब टॉप मोस्ट पोजीशन पर रिवर्स हुआ है तो गिर क्यों नहीं जाता। तो आपने देखा था कि उसकी वेलोसिटी इतनी हाई थी कि टैबलेट जब ट्यूगल उसके वेट को काउंटर बैलेंस कर ले रहा था, तो वो फ्लोटिंग कंडीशन में था, और अगर सेंट्रीफ्यूगल ग्रेटर देन वेट था तो उनको पेस्ट किया हुआ था इन द वॉल, इस वजह से वो गिरे नहीं, और पेस्ट होने की वजह से वो वॉल पकड़कर आसानी से उतर गए। तो यहाँ हम जानना चाहते हैं कि इसकी कोई भी वेलोसिटी तो रियल है नो डाउट, लेकिन इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, उस मिनिमम से ग्रेटर मेंटेन किए होंगे तब जाके ये एक सर्किल पूरा किया होगा। अल्फा लोएस्ट अल्फा क्रिटिकल, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड वीएलसी, यानी इम्पार्टेड वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन जस्ट इक्वल टू द लोएस्ट वेलोसिटी वीएलसी कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर इसको इसका वीएल वीएलसी से कम हुआ तो यही वीएलसी ढूंढना है कि कम से कम कितना देना होगा, तो ये सर्किल बनाएगा। और यहाँ मेंटेन रखने के लिए सर्किल पर है ना टुवर्ड सेंटर एक टेंशन आपको देना पड़ा होगा, एनी टेंशन टीएल, लेकिन ऐसा नहीं कि एनी टेंशन है, इस टेंशन की एक मिनिमम वैल्यू है उससे ऊपर का ही टेंशन आपको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टीएलसी। यानी जब लोएस्ट पॉइंट का एनी टेंशन टीएलसी से ग्रेटर होगा तो नेसेसरी सेंटीमीटर मिलेगा, तो इसकी वेलोसिटी वीएल वीएलसी से बड़ी हो जाएगी और ये सर्किल बना ले जाएगा। क्लियर है, हम सिर्फ अभी पैरामीटर रख रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि कहां किस नाम से कौन पैरामीटर आएगा। चलिए चढ़कर यहां पहुंचा, क्या बता पाएंगे कि जितनी वेलोसिटी यहां थी उतनी ही वेलोसिटी वहां भी बना दें, लेस देन दैट है कि ग्रेटर देन दैट है, राइजिंग है ना, चढ़ा है ना, तो कुछ तो एनर्जी खर्च हुई होगी इसकी चढ़ने में। इसका मतलब है इसकी अभी जो वेलोसिटी है वो वीएम है, कंफर्म है वीएल से कम होगी, लेकिन ये वेलोसिटी कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पार्टिकुलर लिमिटेशन वैल्यू से भी कम हो गई। अगर ऐसा है तो फिर ये आगे की सर्किल में इम्पार्ट नहीं करेगी। तो एक मिनिमम वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी इज द वीएम, रखे कोई हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक मिनिमम वेलोसिटी है कॉल्ड द वीएमसी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट द मिडलेस्ट पॉइंट। अगर इससे कम वेलोसिटी रखा होगा तो सर्किल तो नहीं बनेगा।
ठीक है। और यहाँ जो भी टेंशन देना चाहते हैं दीजिए कॉल्ड TM, लेकिन एक मिनिमम पॉसिबल टेंशन है जो इसको नेसेसरी सेंटीपिटल दे पाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेंशन एट द मिडिलेस्ट पॉइंट। सो अभी ये चलकर यहां पहुंचेगा, जो भी वेलोसिटी रखा है ये दैट इज द VH, जो भी टेंशन रखा है ये दैट इज द TH, लेकिन कंफर्म है इसका टेंशन यहाँ लिमिटिंग और क्रिटिकल टेंशन से ग्रेटर होना चाहिए, और इसकी एनी वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी आएगी जो हमको कैलकुलेट करना है, कॉल्ड द मिनिमम वेलोसिटी, और द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट जिसके लिए वो फ्लोट करके आगे बढ़ेगा, गिर के यहाँ पहुंचेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड VM डैश, लेकिन ये VM डैश एक लिमिट वेलोसिटी से ग्रेटर रहनी चाहिए थी, तब ये सर्किल पर मेंटेन होगा, एंड दिस वेलोसिटी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द मिडिलेस्ट पॉइंट, और यहाँ जो भी टेंशन रख सकते थे इज द TM डैश, एक मिनिमम पॉसिबल टेंशन से ऊपर ही रहा होगा ये, तब सर्किल पर मेंटेन है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेंशन। तो वर्ड क्रिटिकल तो समझ में आ रहा है, एनी वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी में अंतर समझ में आ रहा है। एनी वेलोसिटी का मतलब हमने जो दिया, और क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है कि हमने जो दिया अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी जितना है करिस्पॉन्डिंग पॉइंट पर या से ग्रेटर है तो सर्किल बनाएगा, देख लेते हैं अभी कैसे। और अगर इसकी एनी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट वहाँ कैलकुलेटेड क्रिटिकल वेलोसिटी से कम आ रही है तो सर्किल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने पैरामीटर हो गए, हमको VLC जानना चाहिए, TLC जानना चाहिए, VMC जानना चाहिए, TMC जानना चाहिए, हमको THC जानना चाहिए, BHC जानना चाहिए, TM डैश सी जानना चाहिए, VM डैश सी, कितने हो गए। हर पॉइंट पर तो दो 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 पैरामीटर हैं, तो आपके पास 8 तो ऐसे ही हो गए, एक इंस्टेंटेनियस हो गया, यहाँ भी 2 आ गए क्वेश्चन, 8 तो 10 हो गया, और हर पॉइंट पर हम हाथ रख करके हर बार कहेंगे ना सर्किल पर है, तो सर्किल पर मेंटेन होने का मैथमेटिकल क्राइटेरिया क्या, नेट इनवर्ड फोर्स ऑलवेज इक्वेटेड टू नेट सर्कुलर सेंटीपेटल फोर्स, तो 8 तो पहले मिल गया था, 2 इसका 10, और 4 सिचुएशन में आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए कि सर्किल पर मेंटेन है तो नेट फोर्स नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स इतना तो होना चाहिए, तो और 4 इक्वेशन बन गया, तो 8 पहले था, 2 इसका 10, और 4 इक्वेशन और 14 इक्वेशन जनरेट होंगे। इन पर ऑब्वियसली किसी तरीके नहीं मिलता, रटा होगा तो लगेगा, नहीं रटा होगा तो कंफ्यूज होंगे, कौन वाला, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। फिलहाल जरा सोचिए तो आप, मतलब पैरामीटर जो इंट्रोड्यूस किए वो तो समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पैरामीटर कर दिए। हमने कहा कि हमने सर्किल में मेंटेन कर दिया, अब हम कह रहे हैं कि हम एक मिनिमम एफर्ट पर सर्किल बनवाना चाहते हैं, तो मिनिमम एफर्ट पर जब वो लोएस्ट पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी उसके पास रहनी चाहिए थी, और हमें कितना मिनिमम एफर्ट करना चाहिए था, उससे ज्यादा एफर्ट मेंटेन करेंगे, बल्ले बल्ले कर घूमेगा, और उससे कम तो सर्किल पे नहीं, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका पायलट जो प्लेन चलाते हैं, जेट प्लेन या फाइटर प्लेन या विंग वो करते हैं। आपने क्वेश्चन लगाया होगा ईमानदारी से, तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा कि एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लिए पर्सन नीचे खड़ा है, कुछ ऐसे रहा होगा, याद नहीं है डेटा, लेकिन 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहा होगा वो एरोप्लेन, 16 किलोमीटर बहुत होता है, 16 किलोमीटर समझ रहे हैं ना, जब उठ के चले जाएंगे, 5 किलोमीटर मेडिकल कॉलेज है, 4 चक्कर मारना उसका बस दौड़ से, पैदल गाड़ी से नहीं, तो 16 किलोमीटर हाइट पर है, और यहाँ एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, ये देखिए, अब जो भी है भाई इससे अच्छा प्लेन हमारे पास नहीं है, देखा, चलिए हमने बोइंग प्लेन बना दिया, चलिए अगर ऐसे बना देते तो बोइंग प्लेन की जगह फाइटर प्लेन हो जाता, चोट होती है ना फाइटर प्लेन। अच्छा हम पहले सोचते थे ये पूछने के लिए होती है कि दौड़ा पूछ देता हूँ, तो ये बाद में समझ में आया कि पेपर में अक्सर पढ़ने में आता था कि चिड़िया लड़ी और प्लेन क्रैश हो गया, तो सोचिए बाप रे चिड़िया लड़ने से अगर प्लेन क्रैश हो गया तो मतलब हम जाके पूछता होगा इसे, तो बाद में पता चला कि वो विस्कस ड्रैग के लिए लगा है, मतलब वो एयर प्रेशर को काटने के लिए लगे, बहुत हाई स्पीड से चल रहा है, मैक वन कहते हैं व्हेन यू आर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर आपकी
विलासिता साहब कितना होता है 332 के आसपास होता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट याद दिला रहा हूँ, कहीं लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब बिजली चमकती है आवाज आती है तो पहले साउंड सुनाई देता है देन आपको बिजली चमकती दिखाई देती है। जमाना उल्टा है, सीधा बोले होते तो सब समझते, उल्टा बोले हैं तभी तो समझना है आपको। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ से याद है ना ये बात कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और साउंड की अभी बताया भाई साहब ने 332 मीटर पर सेकंड, तो 332 मीटर पर सेकंड है। तो अभी अभी लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम अभी लाइट की स्पीड तक तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन एफर्ट में है, कोशिश में है। तो लाइट की स्पीड तो नहीं मिली है हमको, लेकिन मैक स्पीड मिल गई है। मैक स्पीड कहते हैं उसी स्पीड को जब हम साउंड की स्पीड से चलते हैं। अगर मैं बोलूँ मैक 1 तो मतलब होगा इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, मैक 2 डबल टू द स्पीड ऑफ साउंड, मैक 3 ट्रिपल टू द स्पीड ऑफ साउंड, मैक 16। और आप निकालेंगे तो ये लगभग पहुंच चुके हैं स्पीड ऑफ लाइट के बाद, लगभग तो मतलब 0.5 से ऊपर चल रहा है, मतलब 50% वेलोसिटी पा गए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बहुत हाई स्पीड पे चलने पे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जा रहा है। जो सुपरसोनिक प्लेन चलाते हैं पायलट, उनका जो वर्किंग वो होता है दैट इज ड्यूरेशन, जैसे कहते हैं ना 7 साल के रिटायरमेंट के 5 साल के रिटायरमेंट लेना पड़ता है, हेल्थ खराब हो जाती है। एंड जितना फास्टेस्ट रनिंग प्लेन में चलते हैं उनका बायोलॉजिकल एक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर रहा था अपने द ट्विन पैराडॉक्स एंड द टाइम रिलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उन्होंने बताया कि क्या दिक्कत आएगी। फिलहाल छोड़िए, हमने कहा मैक, तो हम साउंड की स्पीड से अगर चल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द मैक 1 मैक 2। तो करते क्या है, पहले जो एंटी एयरक्राफ्ट गन का चक्कर होता था, नीचे से गन लेके ऐसे फायर करता था, तो आपको प्रोजेक्टाइल में सिखाया गया ना कि एकदम स्ट्रेट फायर नहीं करना चाहिए उसको, अगर प्लेन दिख रहा है वहाँ पे तो स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि तो पैराबोलिक ही फायर ऊपर से भी लड़ेगा ना, तो वो तो इसमें सिखा दिया गया। अब पायलट के बचाव का क्या ऑप्शन है? पायलट के बचाव के दो ऑप्शन होते हैं, ये या तो इंजन बंद कर लें फ्री फॉल, क्योंकि फ्री फॉल और इनका गाइडेड है, ठीक है। तो ये तो दिक्कत है कि अगर मान लेते हैं, क्योंकि फ्री फॉल होता है तो अक्सर जो है अचेत हो जाता है आदमी, दैट इज इनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी फील करने की आदत है, और फ्री फॉल में वेटलेस हो जाता है, तो फॉर सम सेकेंड उसको लगता है वापस कॉन्शियस ला लेंगे, बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, अगर कॉन्शियस नहीं आया तो उतर गए जमीन पर, नहीं गिर गए जमीन पर, क्रैश कर गए, चलिए क्रैश कर गए, क्रैश कर गए, ठीक है। तो इनको ये तो बड़ा रिस्की है, तो ये करते क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये अपने आप को सर्किल में मेंटेन करते हैं, देखिए फट से अपने आप को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में।